नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं वृष यानी टॉरस राशि का जून महीने का राशिफल। आपकी राशि से जो ग्रह स्थिति है काफ़ी अच्छी है। सूर्य आपके राशि में है, बुध भी है, शुक्र भी है, लेकिन मंगल जो है वो बारहवां रहेगा। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, आपकी राशि से दशम भाव में है। कुल मिलाकर जो ग्रह हैं वो अच्छे हैं मंगल को छोड़ के, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप में काफ़ी उत्साह रहेगा। आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ आप अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे और उन कार्यों में आपको आशातीत सफलता भी प्राप्त होगी। किसी अभीष्ट कार्य के यानी किसी बड़े इम्पॉर्टेंट कार्य के बनने की पूरी पूरी संभावना है। इस दौरान आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और इस विस्तार में कुछ अच्छे लोगों से भेंट मुलाकात होगी और ये मुलाकात आपके संबंधों में परिणत हो जाएगी और ये संबंध लंबे समय तक चलने भी वाले हैं। धन की दृष्टि से समय अच्छा है, जो भी धन के लिए प्रयास करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन साथ में निवेश करते समय, इन्वेस्ट करते समय आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अनर्गल खर्च ना करें, अनर्गल वेस्ट ना करें और रिस्की वेंचर से दूर रहना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा, अन्यथा आप किसी झंझट में भी फंस सकते हैं। इस दौरान में मित्र शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग बना रहेगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है परिजनों के साथ, ये यात्रा आप सबके जीवन में एक सुखद अनुभव लेकर आएगी और वहाँ जो आपको अनुभव होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, ग्लिम्सेस होंगे, वो भी एक चर्चा का विषय बना रहेगा काफ़ी लंबे समय तक और उससे आप प्रेरित होकर और भी जगह जाने का मन बनाएंगे। परिवार में किसी के विवाह या और कोई महत्वपूर्ण या सेलिब्रेशन वाले कार्य के होने के आसार बन रहे हैं और इन आसार से आपके घर में एक प्रफुल्लता का वातावरण देखने को मिलेगा। अगर आप विदेश में नौकरी या व्यवसाय की तलाश में हैं या एजुकेशन के लिए आप वहाँ जाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्नशील हैं, तो ये महीना आपको उस दृष्टि से काफ़ी लाभदायक रहेगा। कुल मिलाकर अच्छा महीना है और आपकी साख में वृद्धि होगी, धन की दृष्टि से अच्छा है, पारिवारिक सुख में अच्छा है और कुल मिलाकर लाभदायक मंथ है। वाहन के खरीदने का योग भी बन रहा है। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोड़श संस्कार होते हैं उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है, तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है, अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।